This session is being recorded, and this is Sir Sivaraman, your English language instructor. And today we have another lecture, which is syntax. काफी लंबा लेक्चर है, काफी दिनों तक चलेगा आप लोगों के साथ. सिंटेक्स के अंदर हम बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे. सबसे पहली जो चीज आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिंटेक्स के अंदर, वो है कंटेंट वर्ड्स वर्सेस स्ट्रक्चरल वर्ड्स. आपको पता है, आप में से कोई जानता है वाई आर वी पुअर इन इंग्लिश, वाई कांट वी राइट गुड इंग्लिश, हम अच्छी अंग्रेजी लिख क्यों नहीं सकते, हम अच्छी अंग्रेजी बोल क्यों नहीं सकते. डू यू हैव एन आइडिया? लोग समझते हैं हमें टेंसेस नहीं आते, हमें मॉडल्स नहीं आते, हमें कंडीशनल्स नहीं आते. ये सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, आप अभी जब सुनेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल मसला तो कुछ और है. टेंसेस तो आप लोग सीख लेंगे विद इन अ मंथ, मॉडल वर्ब्स कंडीशनल्स विद इन अ फ्यू वीक्स आप लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम अपनी जगह बरकरार रहेगी. पता है आपको आपकी प्रॉब्लम क्या है? आज सर आपको बता रहे हैं आपकी जो प्रॉब्लम है. अगर आप गौर से देखें अपनी स्क्रीन पर, आपके पास दो तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, कंटेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स. जब हम कंटेंट वर्ड्स की बात करते हैं तो कंटेंट वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी हमारी नॉलेज का हिस्सा है. वी ऑलरेडी हैव वेरी गुड नॉलेज ऑन कंटेंट वर्ड्स. और अगर आपसे मैं कहूँ कि जरा इसको लिखना शुरू कर दे, सो यू मे राइट अप टू 5,000 कंटेंट वर्ड्स. यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी, बट दैट वोकैबुलरी इज ऑफ नो यूज. लेकिन उस वोकैबुलरी का कोई इस्तेमाल नहीं है. क्यों? व्हाई? मेरी आवाज तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर आ रही? मुझे कंफर्म कीजिएगा. एम आई क्लियरली ऑडिबल? यस सर. बिल्कुल थैंक यू वेरी मच. अच्छा, तो अब देखिए कंटेंट वर्ड्स क्या है. कंटेंट वर्ड्स बेसिकली आपकी वोकैबुलरी है. कंटेंट वर्ड्स नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये है क्या? दिस इज योर वोकैबुलरी. ये तो आपके पास बहुत. फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपके पास स्ट्रक्चरल वर्ड्स की नॉलेज नहीं. सर, ये स्ट्रक्चरल वर्ड्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल वर्ड्स बेसिकली आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस और ऑक्सिलरी वर्ड्स. स्ट्रक्चरल वर्ड्स की डेफिनेशन सुनिएगा. स्ट्रक्चरल वर्ड्स आर मीनिंगलेस बट दे मेक योर सेंटेंस मीनिंगफुल. स्ट्रक्चरल वर्ड्स की अपनी कोई मीनिंग्स नहीं होती, लेकिन ये आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं. स्ट्रक्चरल वर्ड्स आर मीनिंगलेस बट दे मेक योर सेंटेंस मीनिंगफुल. आ गई बात समझ? अब अगर आप एक सेंटेंस देखें, मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं और इन दो सेंटेंसेस से आपको एक बात समझ आएगी. और वो बात कौन सी है? देखिए, ही वेंट टू लाहौर विद हिज फ्रेंड बाय BIA टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट इवेंट, बट द इवेंट कैंसल्ड एंड ही केम बैक बाय ट्रेन ऑन संडे. इसमें से जो वर्ड्स हाईलाइट हुए हैं उनको वाइप कर दीजिए. जब आप उन वर्ड्स को निकाल देंगे तो आपको पता चलेगा कि सर हमारी अंग्रेजी का जो स्टैंडर्ड है वो यही है. क्या सर? हमारी मिस्टेक्स सबसे ज्यादा जो होती है वो आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस और कंजंक्शंस की होती है. आई एम गोइंग टू लाहौर विद माई सन ऑन सैटरडे बाय ड्राइवर एट 9 PM टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट मीटिंग. इसमें से आप देखिए
हर वर्ड के बाद आप देखिए स्ट्रक्चुरल वर्ड आ रहा है। यही हमारी प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता होता, हमें नहीं पता चलता कि हम किस तरह से कंटेंट वर्ड्स, स्ट्रक्चुरल वर्ड्स की मदद से अपने सेंटेंसेस को कनेक्ट करें। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? एम आई राइट और रॉन्ग? स्मार्ट सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। चले आगे आगे। अब प्रॉब्लम पता चल गई है सर, प्रॉब्लम तो हमें नजर आ गई है कि प्रॉब्लम ये है कि हमारी आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस की नॉलेज जीरो है। अच्छा मैं कहता हूँ इसको 0.1 तो कर ले कम से कम। मैं ये नहीं कहता कि आप हीरो बन जाएंगे एकदम, लेकिन इसको कम से कम 0.1 तो कर सकते हैं ना। अगर 0.1 कर लें तो इसका मतलब है कि हम थोड़ा बहुत तो आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस में स्टार्टर तो ले लें। मैंने अभी रिसेंटली दो सेशन रिकॉर्ड भी किए थे, उससे पहले भी मैंने रिकॉर्ड किए थे। आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ जिसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 हफ्ते। आपको 2 हफ्ते में आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस के असाइनमेंट्स को सॉल्व करना है। सर करना क्या है, पहले तो आपको 2 लेक्चर्स को सुनना है। आपके पास काफी टाइम है, अभी 2 हफ्ते है, बीच में आपके पास सैटरडे संडे ऑफ आता है, तो आप जो है वो सुन सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देखिए गूगल क्लासरूम में जब जाते हैं, गूगल क्लासरूम में सबसे आखिर में जाना है आपको। सबसे आखिर में लिखा हुआ है नोट्स एंड वर्ड्स, उसमें आखिरी हेडिंग जो है वो आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस, और उसमें देखिएगा आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स की पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रेपोजिशंस की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और आर्टिकल्स की वर्कशॉप और प्रेपोजिशन की वर्कशॉप, ये दोनों आपको सुनने हैं। आर्टिकल सुनने के बाद पहले आपको इसका टेस्ट देना है, फिर प्रेपोजिशन स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रेपोजिशन ज्यादा टाइम देगा आपको, प्रेपोजिशन आपका टाइम ज्यादा ले जाएगा, इसलिए प्रेपोजिशन के पहले लेक्चर को सुनिएगा, उसके बाद फिर प्रेपोजिशन की पीडीएफ कराइएगा। इसमें मैंने आपको कोई टेस्ट नहीं दिया है, वजह भाई वो कितने क्या बनाऊं टेस्ट, इतना इतना कुछ मटेरियल है प्रेपोजिशंस में, इतना कुछ है कि बच्चा हमेशा फेल ही होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस कर लें जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास देखिएगा, हेलोविन इज सेलिब्रेटेड डैश द यूनाइटेड स्टेट्स डैश अक्टूबर 31। अब यहां पर बताइए, हेलोवेन इज सेलिब्रेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑन 31 अक्टूबर। ऑन अक्टूबर 31 और इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन अक्टूबर 31। अच्छा इसी तरह से आप इस सब के जवाब अपने पास लिखते रहिएगा, और लिखने के बाद अगली शीट से जाकर वेरीफाई करें आप इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन अक्टूबर 31। आप तो अगर आपने ऐसा कर लिया, ऐसे तकरीबन आपके पास शीट्स की जो तादाद है वो कम से कम मेरे हिसाब से 400 से 500 आपको मिलेंगे। ये देखिए इसमें आपको 46 है, फिर उसके बाद 45, फिर उसके बाद 25, फिर 25, 20, और इसी तरह से और भी एक्सरसाइजेस आपके साथ चलेंगे। तकरीबन आप प्रैक्टिस कर लेंगे 400 प्रेपोजिशंस, और फिर उसको रिवाइज करते रहें। जब आप इसको रिवाइज करते रहेंगे ना, तो आप देखिएगा आपकी जो कॉमन प्रेपोजिशनल मिस्टेक्स है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये सर ने आपको अभी तक क्या बात बताई? सर ने आपसे सवाल किया था हम इंग्लिश में कमजोर क्यों हैं, फिर सर ने आपको उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह भी बता दी। ठीक है, वजह क्या है?
वजह यही है कि हमारे पास स्ट्रक्चरल वर्ड्स की नॉलेज नहीं है सर। कंजंक्शंस ये आपके आने वाले हफ्ते में इंशाल्लाह कंजंक्शंस पे बात करूंगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स ये भी आने वाले हफ्तों में मैं बात करूंगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन, मैं एक सेंटेंस क्रिएट करना चाह रहा हूं, बताइए सेंटेंस क्रिएट करने के लिए कौन सी तीन चीजें आपने स्कूल लाइफ से याद कर रखी है, कौन कौन सी तीन चीजें चाहिए होती है, याद करें जहन पर जोर डालें। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब अच्छा मुझे आवाज अच्छी नहीं आ रही, दोबारा बोलिएगा। एस प्लस एस सब्जेक्ट प्लस बी ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब एस प्लस बी और एस प्लस ओ प्लस बी दिस इज द फॉर्मूला व्हिच वी लर्न इन क्लास 6 फ्रॉम टिल टू इंटरमीडिएट फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन जनरली हमने स्कूल लाइफ के अंदर यही पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अब हम जो है, लेकिन आज सर ने एक और चीज ऐड कर दी, और वो क्या है, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। सर हसी टीचर्स अस एवरी डे, एवरी और डे के दरमियान में आप गैप रखेंगे, सर हसी टीचर्स अस एवरी डे, एवरी डे सर हसी टीचर्स अस, सर हसी एवरी डे टीचर्स अस। आप एडवर्ब को जुमले के शुरू में ले आइए, जुमले के आखिर में ले आइए, जहां दिल चाहे आप एडवर्ब को लेकर चले जाइए, ठीक है ना। जहां भी आपका दिल चाहे आप जुमले को लेकर जा, एडवर्ब को लेकर जा सकते हैं, आपके सेंटेंस की मीनिंग्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आ गई बात समझ। इसी तरह से समटाइम्स, इसी तरह से यूजुअली, इसी तरह से यस्टरडे, आप इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करें, सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल करें, चाहें तो आप इसको वर्ब से पहले इस्तेमाल करें। वेयर एवर यू आर यूजिंग दिस एडवर्ब, आप इट डज नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। समटाइम्स शी कॉल्स मी, बस पंचुएशन का ख्याल रखें। पंचुएशन से मुराद आप एस कैपिटल कर दिया, आपने कॉमा लगा दिया, एवरी डे में ई कैपिटल कर दिया, कॉमा लगा दिया, तो उसका ख्याल रखना है। यूजुअली ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट यूजुअली, ही यूजुअली प्लेस क्रिकेट, तीनों आपके पास ऑप्शन है, तीनों यस्टरडे आई कॉल्ड सारा, यस्टरडे आई कॉल्ड सारा, आई कॉल्ड सारा यस्टरडे, आई यस्टरडे कॉल्ड सारा। अच्छा कुछ एडवर्ब्स बेटा ऐसे भी होते हैं जिनकी जगह को आप बदल नहीं सकते, कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जगह को आप बदल नहीं सकते, जैसे नेवर और ऑलवेज, उनको वहीं पर लिखा रहने दिए, उनको मत छेड़िए, ये हमेशा अपनी जगह पर रहते हैं। आपको अगर लग रहा होगा, आपने सुना हो नेवर कॉल मी अगेन, नेवर ऑलवेज कम ऑन टाइम, ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट अर्ली, ये सर देखें यहाँ पर तो शुरू में आ गए, जी नहीं अभी भी आप आके खोल के देखें तो आपको एक सब्जेक्ट नजर आ रहा होगा, और वो कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। मेरा आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल, क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? Yes, जी सर बन सकता है पक्की बात है? जी सर सोच लें। खाली बर्फ से भी जुमला बन सकता है ओहो वाह भाई वाह, ये तो आपने चमत्कार कर दिया। अभी जानते हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद जानेंगे वर्ष से कैसे जुमला बनाएगी, आज हमारे कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए पहले हमने एडवर्ब के बगैर जुमला बना लिया, हमने ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बना लिया। देखिए सोनिया प्लेस क्रिकेट, सारा ड्रिंक पेप्सी, दे ड्राइव अ कार, आई ईट फूड, ही राइट्स अ लेटर, She talks, she taught, she teaches, I understand. Birds fly, she knows, she works. मेरी, मैं यहीं तक जानता हूँ, इससे आगे मेरी दस्तरस नहीं है। सर हम एडवर्ब के बगैर जुमला बना सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं, और अब आ रही है एक हमारी कोई खूबसूरत सी स्टूडेंट,
जो सब्जेक्ट को भी ड्रॉप कर देंगे, सिर्फ वर्ब से जुमला आपको बनाकर दिखाएंगे। जी हाँ नाजरीन, आपको वर्ब से जुमला बनाकर दिखाया जाने वाला है। आप तमाम स्टूडेंट्स तवज्जो के साथ, कौन? हाँ भाई बनाइए, वर्ब से जुमला बनाइए। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर ये तो वो वाली एग्जांपल होगी जैसे कुछ स्टूडेंट्स ना क्लास में खड़े होके कहते हैं कि हम ना पानी के बगैर अंडा भी बॉयल कर सकते बन हैं, कुछ सकता है लड़कियां वर्ब कहती हैं से हम तवे के जुमला, बगैर बन रोटी बना सकता सकते हैं। है वर्ब से जुमला, बन सकता है। मैं वर्ब के बगैर भी जुमला बना सकता हूँ, लेकिन इतनी ऊपर कोई स्टूडेंट पहुंचा नहीं है आज तक। अच्छा तो आज मैं पूछना जानना चाहता हूँ कि वर्ब जी से जी सर जुमला कैसे बनेगा, इसलिए सबसे कह रहा हूँ गौर से सुनिएगा। यस कौन थी वो खूबसूरत ओके इंटेलिजेंट सर स्टूडेंट? सही, ये नहीं कहा कि वर्ब के बगैर जुमला बन सकता है, फिर मैं अपनी नसें काट लेता कि सर मैं वर्ब के बगैर जुमला बनाऊंगा। सिर्फ वर्ब से जुमला बन सकता है, नहीं वो सर, वर्ब कहा के गए बगैर तो बोला नहीं बन सकते। वर्ब के बगैर नहीं बन सकता, सर बना सकते हैं, बस सर को इजाजत है, और किसी को इजाजत नहीं है। सर बनाकर भी दिखाएंगे भाई, बना दे कौन था, फिर हम बनाकर दिखा देंगे। सिर्फ वर्ब से सेंटेंस बनाकर दिखाएंगे। इतनी खामोशी क्यों है? स्टैंड अप, शट अप, लिसन, लिसन, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। वैसे वर्ब आ रहा है, सिर्फ वर्ब आ, ड्रिंक, सिर्फ स्लीप, सिर्फ वर्ब आ रहा है। क्या सिर्फ वर्ब से जुमला बन सकता है? लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि क्या सर स्लीप अर्ली, अर्ली तो आ गया ना, एडवर्ब आ गया। ओके सिर्फ वर्ब की अभी किसी ने कहा था, वो बता नहीं, शर्मा रही है कि सर सब वर्ब से सिर्फ जुमला बन सकता है, वो पता नहीं कहाँ चली गई, हम अपने नाम नहीं देखा था उनका। अच्छा बाहर आ रहा, क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? इज इट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट? वर्ब के बगैर देख लिया, ऑब्जेक्ट के बगैर देख लिया, एडवर्ब के बगैर देख लिया, क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? इज इट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट? यस और नो? यस सर, यस सर, यस जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता है। बजाहिर इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि सब्जेक्ट से जो बगैर जुमला बन रहा है। कौन सारा? किल हर राइट नाउ, ओपन द डोर नाउ, डोंट कॉल हिम टू राइट। इसमें कोई भी सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। गिव मी अ नाइफ, हेल्प मी, कॉल मी, देख ले, अभी भी आपकी आंखों में अंधेरा है, अभी भी आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा। डोंट नॉक एट द डोर, दरवाजे पर मत खटखटाओ। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, अभी तक कोई सब्जेक्ट नहीं दिखा। लेकिन एक खास रोशनी में देखिए, क्या कॉल सारा से पहले आपको कुछ दिख रहा है? गौर से देखिए, क्या कॉल यस सारा से को पहले कुछ दिख रहा है? अब आपको, आपके पास आइए इल्म की रोशनी। जब आपको, अब सर ये बन, अब आपको सर बताने जा रहे हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की मुकम्मल डेफिनेशन क्या होती है। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज यूजुअली हिडन, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज इट। कुछ किताबों में लिखा हुआ है, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज डेफिनेट, पता ही होता है कि सब्जेक्ट क्या है, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज इट। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को हुक्म देते हैं, किसी से इंतजार करते हैं। अब मेरे सामने फरवा है, मैंने फरवा से कहा लिसन टू मी, तो मैं ये ऑब्वियसली जब ये मेरे सामने, तो मैं ये कहूंगा ना लिसन टू मी, मैं ये तो नहीं कहूंगा यू लिसन टू मी। मैंने फातिमा लिए, मैं फातिमा फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं ये तो नहीं कहूंगा यू फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने सिर्फ क्या कहना है, फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यू का इस्तेमाल मैंने किया ही नहीं, लेकिन यहाँ पर यू मौजूद है, लेकिन इस्तेमाल इसका हम करते नहीं। और जब
तब करते हैं जब आपको गुस्सा आता है। तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम अपना माइक बंद रखो, गुस्सा आ गया सर। यू म्यूट योर सेल्फ, सॉरी सर। यू शट अप, यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम। तुम मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, तुम चली जाओ मेरे कमरे से बाहर। मेरे अब्बा ने दिया था ये घर, तुम निकलो अभी कमरे से बाहर, नहीं घर से बाहर निकलो। चलो, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, चलो अभी बनाता हूँ मैं तुम्हारे लिए खाना। यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, गुस्सा आ गया आपको। यू शट अप, यू शट अप। गुस्से में आते हैं ना, याद करें बहन भाइयों की लैंग्वेज, आपको याद आ रही होगी शादी से पहले जब बहन भाई लड़ते थे तो हम तुम का इस्तेमाल करते थे। तुम जाओ, तुम चली जाओ, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। गुस्से में आता है ना, यू आता है ना। और स्कूल की टीचर्स याद करें, यस सर, जब आप स्कूल में पढ़ाती थी तो आपका जुमला ये होता था, तुम खड़े मत हो, तुम बातें मत करो, तुम बातें मत करो। अब आप कैसे बोलती थी ये जुमला स्कूल में? यू डोंट टॉक, यू डोंट शाउट, यू मिस्टर, यू यस, अच्छा यू डोंट टॉक, यू डोंट टॉक। जुमला सही है, यू डोंट शाउट, बजाहिर तो सही लग रहा है। तुम बातें मत करो, यू डोंट टॉक, तुम चिल्लाओ मत, यू डोंट शाउट, तुम मुझे हाथ मत लगाओ, यू डोंट टच मी। तो सारे जुमले सर गलत। क्यों सर? मैं बता सारे जुमले गलत। लेकिन सर लग तो सही रहे, सही बोलने में भी सही लग रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे आखिरी सेंटेंस देखे, मैंने फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, डोंट यू स्टैंड अप, क्या मतलब? तुम खड़े मत हो। तुम खड़े मत, डोंट यू शाउट, तुम चिल्लाओ मत, डोंट यू शाउट, तुम मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। कैसे बोलते हैं, बहुत कॉमन सेंटेंस है ये, तुम मेरे मामलात में, डोंट हाँ, डोंट इंटरफेयर इन माय डोंट अफेयर्स। यू, डोंट यू इंटरफियर इन माई अफेयर्स, डोंट यू पोक योर नोज, तुम अपनी नाक मत अड़ाओ, डोंट यू पोक योर नोज इन माई अफेयर्स, इन माई मैटर्स। तुम मुझे हाथ लगाने की जरूरत भी मत करना, ये जुमला भी बहुत कॉमन है, डोंट यू डियर। सुना है फॉर्मेशन? डोंट यू डियर, डोंट यू डेयर टू टच मी अगेन, दोबारा मेरे घर आने की जरूरत भी मत करना, डोंट यू डेयर टू कम माई होम अगेन। चिल्लाना मत, डोंट यू शाउट, तुम चिल्लाना मत, डोंट यू शाउट, जान से मारूंगा तुमको, आई विल किल यू। गुस्सा आ गया, प्लीज डोंट यू अनम्यूट योर सेल्फ गेट, दोबारा अपना माइक खोलना मत। जी सर, सॉरी सर, चले भाई, अब आपके ससुराल वाले आ रहे। यू जस्ट हैव सम कबाब्स, अरे लीजिए ना कबाब, के एन एन के कबाब पेश कर देते। अब तो मैं कहते बच्ची ने अपने हाथ से बनाए, तले होंगे, मैं तल कर ले आई हूँ। यू जस्ट हैव सम कबाब्स, आप लीजिए ना कबाब, आप पराठा लीजिए, पराठा भी सबरोसा, अब तो बहुत सारे आ रहे हैं, इम्तियाज के पराठे बन कल कर लिया ही। अरे आप लीजिए, बच्ची ने अपने हाथ से बनाया, अच्छा आप लीजिए ना, यू जस्ट हैव सम मोर, आप चाय लीजिए, यू जस्ट हैव टी। क्या कर रहे हैं आप आमादा कर रहे हैं, अब गुस्सा नहीं आ रहा आपको? अब आप आमादा कर रहे हैं, यू का इस्तेमाल आप जब भी करते हैं जब आप आमादा करते हैं। अरे आप यहाँ बैठे फूफी, यू जस्ट सिट हियर, नहीं भाई हम नीचे सही है, दोबारा सोफा टूट जाएगा तो हमारा नाम आ जाएगा। अरे नहीं फूफी आप यहाँ बैठे, यू जस्ट सिट हियर। सर आप बात तो सुन रहे, सर प्लीज, सर प्लीज, यू जस्ट लिसन टू मी सर, प्लीज सर, क्या सुन रहे भाई, यू जस्ट लिसन टू मी सर, कंसेशन दे दे सर, क्या करें, पढ़ाना छोड़ दें,
2,000 रुपये महीना चार्ज करते हैं, पूरे दिन पढ़ाते हैं। परसों में एक बात बहुत सीरियसली सोच रहा था कि मैं सुबह और दोपहर पढ़ाना सब छोड़ दूँ, सिर्फ शाम में पढ़ाऊँ। पूछे क्यों? आस्क मी व्हाई, आस्क मी व्हाई, व्हाई व्हाई व्हाई। बाय सर। कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है हमारी, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है, और जो फीस हम चार्ज करते हैं उस फीस में हमारे लिए 9 घंटे की सर्विसेज देना, समझ ले हम बिल्कुल कन्नों पे चल रहे हैं। लोग चाहते हैं कि इससे भी कम फीस कर दी जाए, तो उससे कम फीस में फिर हम सिखा नहीं सकेंगे। और मैंने पहले ये भी तजर्बा किया था, कम फीस कर दी थी 1,000 रुपये, लेकिन हकीकत बताऊं नोबडी लर्न एनीथिंग, क्वालिटी डाउन, क्वालिटी वर्स्ट हो गई थी, कोई आउट या नहीं आया था। तो इसलिए हम असल में जब तक तो सर आप आपको पढ़ा दें इसमें कौन सी प्रॉब्लम। नहीं बेटा नहीं बढ़ा नहीं सकते, हम चाहते हैं कि हमसे सब पढ़े, हम बहुत बीच में चल रहे हैं इसमें। सर ये बहुत ही नॉमिनल है, पता है फोर क्या है, देन मैं ऑलरेडी लर्न कर चुकी हूँ ना, तो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं बाकी जितने भी ये हैं डिपार्टमेंट, वो इदारे वगैरह। ऑनलाइन सेशंस में तो खैर मत ही पूछो, हर कोई आपको मिलेगा ही नहीं पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये मेरा 3 साल का तजर्बा है। आई हैव बीन सर्चिंग कि कोई तो मिले जो हमारा कॉम्पिटिटर बने, बट यस सर, यस आई सर, हैवन्ट फाउंड एनी कॉम्पिटिटर। तो स्टूडेंट्स दे कम बैक टू अस, इवन मैंने फ्री भी पढ़ाया, आपको पता है मैंने फ्री भी पढ़ा दिया जब, लेकिन फ्री में भी पता है क्या होता है, 400 स्टूडेंट आ जाते हैं, नो क्वालिटी, क्वालिटी नहीं होगी फिर तो यूट्यूब का चैनल बन जाता है, बस सुन रहे हैं सब। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन एंड टॉक, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, मैं सबकी बातें सुन भी रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ। इफ आई हैव 100 स्टूडेंट्स इन दिस सेशन, इफ आई हैव 100 स्टूडेंट्स, मैं किसी से बात करूंगा, किसी को सुनूंगा, कभी भी नहीं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू गिव क्वालिटी लर्निंग, दैट्स वाई। लेकिन अभी हम इंशाल्लाह ऑफर कर रहे हैं, इस पूरे साल चलते रहेंगे, फिर सोचते हैं। पाकिस्तान के हालात असल में बहुत बिगड़ रहे हैं, इसलिए लोगों के हालात भी बिगड़ रहे हैं, एंड दिस इज एन एक्स्ट्रा थिंग फॉर एवरीवन, बट दिस इज अ कंपल्सरी नीड ऑफ दिस एरा, बिकॉज पीपल वॉन्ट टू मूव अब्रॉड, एंड इफ दे वॉन्ट टू मूव अब्रॉड दे मस्ट स्पीक इंग्लिश, दे मस्ट नो इंग्लिश टू क्लियर आइल्स। चलो बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं आप, यू जस्ट सिट हियर। जी मैं बैठू, सर बात तो सुन लें, यू जस्ट लिसन। मेरा आपसे एक और सवाल, बताइए क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? आ सकते हैं सर, आ चुके हैं, आपने लिख दिए हैं। आई राइट अ लेटर टू सारा एवरी मंथ, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। एक सेंटेंस में दो वर्ड्स भी आ सकते हैं, दो एडवर्ब्स भी आ सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, दो सब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स का आना ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, जिसके ऊपर हम बहुत तफसीली गुफ्तगू करने वाले आने वाले सेक्शंस में। आई राइट सारा अ लेटर, अगर दो ऑब्जेक्ट्स होते तो आप सारा को पहले ले आइए, अ लेटर को बाद में ले जाइए। मुझे बताइए दोनों में से आपने कौन सा सेंटेंस कॉमनली सुना है, पहला या दूसरा? आई राइट अ लेटर टू सारा, आई राइट सारा अ लेटर, व्हिच वन इज वेरी कॉमन इन योर लाइफ? सर फर्स्ट वन, आई राइट अ लेटर टू सारा एवरी मंथ, बट बोथ सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट, और दूसरे वाले सेंटेंस में आप यस प्रेपोजिशन की गलती से बच जाते। आई सेंड अ लेटर टू सारा एवरी मंथ, आप सारा को इधर ले आइए और लेटर को आगे ले जाइए। आई सेंड सारा अ लेटर एवरी मंथ, आई सेंड अ लेटर टू सारा, शी सेंड्स मी अ रोज एवरी डे, आप रोज को इधर ले आइए, आप बी को आगे ले जाइए, शी सेंड्स अ रोज टू मी एवरी डे, आगे। सर जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, उनके बाकायदा नाम रखे गए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समथिंग एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समबडी। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है? एक सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहां दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, एक ऑब्जेक्ट आएगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा? ये हमें वर्ब बताता है, वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इनकी बारे में तफसीली लेक्चर आपके पास अगली एपिसोड में आएगा।
एक असाइनमेंट में जा रहे हैं हम, कैसे एक असाइनमेंट आपके, कैन यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स करेक्टली, क्या आप इन वर्ड्स को सही सही प्रोनाउंस कर सकते हैं? अगर प्रोनाउंस कर सकते हैं तो अपना हैंड रेस कीजिएगा। यस सर, आई कैन प्रोनाउंस दीज वर्ड्स फॉर यू। यस, परवा। appreciate and appreciation. नेक्स्ट। यस सर, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ूं? जी, बी से या फिर सारे सारे सिर्फ पढ़, दो पढ़ने थे? सारे सारे? सारे। ओके सर, ओके सर. बिजेट क्रिएचर थियरी डेब्रिस एलाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगेटन. आई हैव लर्न माई लेसन. आई एम लर्न पायस एम्पायस जील जीलियस जिब्रा कट बट पुट मोनोपली मोनोटोनस मोनोलॉजी फोटोग्राफर पिज्जा क्वेश्चन सजेस्ट सजेशन टॉम एंड जेरी टॉम ऑफ कायदे आजम कॉम वॉम डोंट मेक योर ओन प्रनन्सी. ओके सर, ये आपके लिए ये पढ़ना एडवाइस, ये आपके लिए एडवाइस है, डोंट था. मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन। यस सर, इसलिए आपने मैं इससे चुप पहले कब हो पढ़ा गया था था. मुझसे? तो पहले आपने कौन से ईयर में पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? यस निदा हाशमी, सर अनम्यूट नहीं हो रहा आसानी था जब आप आसानी। वाटर पंप पे थे, काफी टाइम पहले पढ़ा था. अब आपको याद होगा वो कौन सा ईयर था, और आपको याद ही होगा हम थ्री सिस्टर्स आती थी. मैंने तो याद नहीं रहती तीन सिस्टर्स पर हुआ, इतना उस दौर में इतनी कैन आई लड़के। रीड सर? यस 2014 की बात होगी, 2014 या 2013 वो सर लास्ट। 2014 से भी पहले, क्योंकि मैं उस टाइम 8th या 9th में थी तब पढ़ा था, तो ये 2014 से भी पहले की बात है. चलो, पहचान लिया आपने, अच्छी बात है। निदा, एप्रिसिएशन विडिट क्रिएचर थ्योरी डेब्रिस लाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन. आई हैव लर्न माई लेसन. आई एम लर्न पायस एम्पायस जील जीलियस जेब्रा कट बट फुट मोनोपली मोनोटोनियस नॉलोजी फोटोग्राफर प्लीज क्वेश्चन जेस सजेशन टॉम एंड जेरी टॉम ऑफ कायदे आजम कॉम बॉम. आपको भी पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल गया, प्योर पाकिस्तानी है आप। कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया। एप्रिशिएशन क्रिएचर थ्योरी डेब्रिस एलिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन. आई एम लर्न्ड पायस इम्पायस जील जीलिस जेब्रा कट बट पुट मोनोपली मोनोटोनियस फोनोलॉजी फोटोग्राफर पिज्जा पिज्जा क्वेश्चन सजेस्ट सजेशन टॉम एंड जेरी टॉम ऑफ कायदे आजम कॉम बॉम
डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन. डोंट मेक योर, आपको ये एडवाइस आपके लिए भी है, डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन, अपने तलफ्फुज मत बनाइए, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की ये बहुत खूबसूरत बात है, हर वर्ड को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी का कोई सा भी वर्ड दे दे सब पढ़ दे। यस किंजा, कुछ नया आने वाला है। जी सर, रीड, जी सर, यू प्रोनाउंस ऑल दीज ओके वर्ड ओके. करेक्टली। अप्रिशिएट, अप्रिएशन, बाय दैट क्रिएचर, थ्योरी, डेब्रिस, एलिट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगॉटन, आई हैव लर्न माय लेसन, आई एम लर्न, वॉइस, एम्फियस, जेल, जेलेस, जेब्रा, खट, बर्ड, फुट, मोनोपोली, मोनोटोनस, फोनोलॉजी, फोटोग्राफर, पिज्जा, क्वेश्चन, सुगेस, सुगेशन, टॉम एंड जेरी, टॉम ऑफ कायदे आजम, कॉम, बॉम्ब. थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। राफिया, अप्रिशिएट, अप्रिसिएशन, बजट, क्रिएचर, थ्योरी, डिब्रिस, इलाइट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, Forget, forgot, forgotten. I have learned my lesson. I learned poise, in poise, zeal, zealous, zebra, cut, but, put, monopoly, monotonous, phonology, photographer, pizza, question, suggest, suggestion, Tom and Jerry, Tom by the other, calm, bomb. Thank you very much. Yes, Huria. Appreciate, appreciation, bidet, creature, theory, debris, alight, extraordinary, forget, forgot, forgotten. I have learned my lesson. I am learned, pious, impious, zeal, zealous, zebra, cut, but, put, monopology, monotonous, phonology, photographer, pizza, question, suggest, suggestion, Tom and Jerry, tomb of Qaid Azam, comp. थैंक यू वेरी मच। अब आप मुझे सुनिएगा गौर से, दुनिया पढ़ती है इसको एप्रिशिएट, तो फिर जब ये एप्रिशा शा शा साउंड आ रही है, एप्रिशिएट शा साउंड इज देयर, एप्रिसिएट तो ये सा साउंड कहां से आ गई, एप्रीशिए, तो फिर इसको भी एप्रिसिएट कर दो। जब ये एप्रिसिएशन पढ़ रहे हो तुम लोग तो इसको एप्रिसिएट पढ़ लो। जब बंगाली बनने का शौक ही है, अगर बंगाली स्पीकर बोलेगा तो वो बोलेगा आई एप्रिसिएट, बंगाली के पास जो है वो शाह साउंड नहीं होती है, शाबाश, सिंधी स्पीकर्स के पास भी नहीं होती है, शाबाश शाबाश, एप्रिसिएट नहीं सारी एप्रिशिएट है। तो बेटा जाकर चेक कर लेना आज, दिस इज एप्रिशिएशन नॉट एप्रिसिएशन, एप्रिशिएशन। जब एक वर्ड पढ़ा ही नहीं जिंदगी में, उसका तलफ्फुज क्यों कर रहे हो भाई। बिडेट, इट्स बिडे, हर हर इंसान की जरूरत, हर रोज की जरूरत, हर घर की जरूरत। लोटा लोटा, बिडे, आप लोगों ने पढ़ा क्रिएचर, इट्स क्रीचर क्रीचर। सारे वर्ड्स को वेरीफाई करोगे जाकर गूगल पे एक दफा फिर सुनोगे, क्रीचर। आप लोगों की जबान में थ्यू, थ्योरी, इट्स थ्योरी नॉट थ्यू, इट्स थ्योरी। डेब्री नॉट डेब्रिस, डेब्री नया वर्ड है तो मत प्रोनाउंस करो ना, जाके चेक करो पहले, क्योंकि जो वर्ड साइलेंट होते हैं उनका कैसे पता चलेगा, तो इसलिए हमें वेरीफाई करना पड़ता है। अब लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये एक ही वर्ड है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है, आगे लिखा हुआ भी है ब्रैकेट में, एक्स्ट्रॉडनरी, एक्स्ट्रॉडनरी नॉट एक्स्ट्रॉडनरी, एक्स्ट्रॉडनरी एक्स्ट्रॉडनरी। शाहिद अफरीदी गेव एन एक्स्ट्रॉडनरी परफॉर्मेंस इन ओडीआई 2023, Shahid Afridi gave an extraordinary performance.
सुनिएगा कभी कभी फ्री के अंदर, अगर जेफरी बायकॉट आपको सुने या रवीन्द्र राधा या कोई और भी बात कर रहा हो आप सुनिएगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। और फिर जब आप इसको सुनेंगे लगेगा अंग्रेज का बच्चा बोल रहा है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस बाय वसीम अकरम। फॉरगेट नहीं, फॉरगेट फॉरगॉट नहीं, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन। आई हैव लर्न माई लेसन, ओके मान लिया आई हैव लर्न माई लेसन, आई एम लर्न इट, आई एम लर्न इट मीन्स मैं पढ़ी लिखी हूँ, आज के बाद कम से कम कह तो सकते हैं आई एम लर्न इट। शेक्सपियर वॉज नॉट लर्न इट, बट इफ यू हैव नॉट शेक्सपियर टूडे, इफ यू हैव नॉट रेड शेक्सपियर इन योर मास्टर्स प्रोग्राम, यू हैव नॉट डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। राइट, आई एम लर्न इट। पायस, इम्पायस और इम्पियस दोनों है, पायस इम्पियस, जील जेलस नॉट जीलियस, जेलस रैपरा सीब्रा बोथ आर करेक्ट। दैट बट और पुट, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना जब मैंने आपको बताया था आ साउंड सी यू टी कट होता है, बी यू टी पट होता है, तो फिर बी यू टी पट क्यों नहीं होता, पुट क्यों होता है, ये हमें आईपीएस साउंड बताती है। ऊपर जाइए मोनोपोली, जो लिखा हुआ है वो ही पढ़ दिया, मिनोपोली मिनाचनस मोनोटोन, क्या पढ़ा था इसको मोनोटोनियस, वाह मोनोटोनियस, इट्स नॉट मोनोटोनियस इट्स मिनाचनस, बोरिंग मिनाचनस मिनाचनस। फिनोलॉजी, फिनोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ साउंड्स, फिनोलॉजी फिनोलॉजी। फोटोग्राफर पिक्सा, आई एम गोइंग टू हैव पिक्सा, टुडे इज माय सन्स बर्थडे, आई एम गोइंग टू हैव पिक्सा। क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, सजेस्ट सजेशन, अब पाकिस्तान 95% लोग सजेशन, अब मेरा सुनिएगा, सजेस्टन सजेशन सजेस्टन सजेशन, सजेस्टन नॉट सजेस्ट सजेशन, सजेस्ट सजेस्टन। टॉम एंड जेरी, टूम ऑफ कायदे आजम, नॉट टॉम ऑफ कायदे आजम, इट्स टूम टूम, टूम को हम नहीं छोड़ेगा, टूम ऑफ कायदे आजम। कॉम एंड बॉम, क्या नसीहत हुई आज, नसीहत क्या हुई, क्या सीखा, अपने तलफ्फुज़ खुद नहीं बनाने। वेन एवर यू कम अक्रॉस टू अ न्यू वर्ड, आपको क्या करना है, आपको लाजमी तौर पर पहला काम उसकी साउंड को वेरीफाई करना है। इस सैटरडे का मेरा टाइम नोट कर लीजिएगा इंशाल्लाह, दोपहर 3 बजे एक बहुत जबरदस्त सेशन रखा है मैंने, हर सैटरडे को मेरी एक वर्कशॉप होती है, इस सैटरडे की जो वर्कशॉप आ रही है वो मैंने रखी है टॉपिक हाउ टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी, आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कैसे करते हैं, हाउ टू लर्न वोकैबुलरी, किस तरह से हम वोकैबुलरी को याद करते हैं, व्हाट आर द इजीएस्ट वे टू इम्प्रूव वोकैबुलरी, हम रीड करके क्या करें सर, और अगर हम इस कोर्स का हिस्सा बने हुए हैं तो हम डेली बेसिस पे किस तरह से अपनी वोकैबुलरी को यूज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सैटरडे का सेशन लाजमी अटेंड कीजिएगा, मेरी मुलाकात आपसे होती है मंडे और ट्यूसडे, और टाइमिंग्स आपको मैंने बता दिए हैं, मैं सुबह आपको मिलता हूँ 10 बजे, दोपहर में 3 बजे, रात में 8 से 9, ठीक है। मेरा ये कल मेरा लेक्चर 1 था, उसमें मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है, आज ये मेरा लेक्चर 2 है, और मैंने आपको इसके साथ भी आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस का लेक्चर असाइनमेंट दिया है, आपको 2 हफ्ते दिए हैं कि आप उसको फॉलो करेंगे। अच्छा देखिए, जो कल और आज की बातें हुई है ना, ये 2 लेक्चर्स इंट्रोडक्टरी लेक्चर भले से हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये वो सारी बातें हैं जो स्टूडेंट्स कोर्स मुकम्मल करने के बाद शिकायत हमारे पास लेकर आते हैं, सर मेरे राइटिंग में अभी भी मिस्टेक्स आ रही है, मैं स्पीकिंग में अभी भी क्या गलतियां कर रही हूँ, तो फिर हम उसको जवाब देते हैं कि अभी भी आपके आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस की मिस्टेक्स बरकरार है, यू आर स्टिल मिस प्रोनाउंसिंग वर्ड्स। ये 3 मेरे फीडबैक्स होते थे स्टूडेंट्स को आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, दैट यू आर मेकिंग एरर्स इन आर्टिकल्स प्रपोजिशंस एंड यू आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम इन प्रोनाउंसिएशन। तो मैंने वही 2 बातें 3 बातें आपको फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर
कवर अप करवाएगी कि आप इसको फॉलो करें, इन असाइनमेंट्स को देखें और आर्टिकल्स को सुने, प्रेपोजिशंस को सुने, और डेली बेसिस पे प्रेपोजिशंस को सॉल्व करें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपके पास एक और आईडी और पासपोर्ट आ रहे हैं, उससे मिस तबस्सुम को ज्वाइन कीजिए, शी इज योर डिस्कशन टीचर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कल इस टाइम पर आपको ज्वाइन करेंगी मिस कोमल, शी विल बी योर स्पोकन टीचर। आपके पास दो स्पोकन टीचर्स हैं, मिस बुशरा और मिस कोमल, और मिस तबस्सुम भी आपकी स्पोकन क्लास ले सकती है। सारे टीचर्स के अंदर सारी एबिलिटीज है, लेकिन आपके बैच के अंदर मिस बुशरा और मिस कोमल जो है वो आपकी स्पोकन टीचर। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।